सनी देओल की फिल्म गदर 2 इस वक्त फिल्म पठान पर भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गदर 2 ने केवल 6 दिनों में 263 करोड़ की कमाई कर दिखाई है, जिस वजह से अब पठान फिल्म को भी गदर 2 पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि गदर 2 ने इस वक्त सिनेमा घरों में जो माहौल बना रखा है वो शायद ही पहले कभी किसी फिल्म ने बनाया हो। वहीं पठान की बात करें तो पठान ने भी छप्पर फाड़ कर कमाई की थी, लेकिन अब अगर पूरे आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो गदर 2 इस कदर तबाही मचाई हुई है सिनेमा घरों में कि पठान मूवी के भी पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल स्टार फिल्म गदर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। फिल्म की कमाई ऐसी हो रही है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान भी पीछे छूट गई है। केवल 6 दिनों में गदर 2 ने 263 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं छठे दिन भी गदर 2 ने इतने पैसे बटोरे हैं कि पठान के पसीने छूट गए। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन की कमाई के आंकड़े को देखें तो गदर ने पठान से बहुत ज्यादा कमाई की है। पठान ने रिलीज के छठे दिन 25.50 करोड़ की कमाई की थी, जबकि गदर 2 का छठे दिन का बिजनेस 33.50 करोड़ रहा। गदर 2 के साथ अक्षय कुमार की OMG 2 और रजनीकांत की फिल्म जेलर भी रिलीज हुई है। सनी देओल की फिल्म को OMG 2 और जेलर से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। वहीं इसी साल 26 जनवरी को रिलीज हुई पठान सिनेमा घरों में अकेले रिलीज हुई थी और इसकी टक्कर में कोई दूसरी फिल्म थिएटर में नहीं लगी थी। ऐसे में अब इस फिल्म की तुलना शाहरुख खान की मूवी पठान से होने लगी है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों फिल्मों के रिलीज के कुछ फाड़ 62.48 करोड़ है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म गदर 2 एक नॉर्मल फ्राइडे को रिलीज हुई थी और इसे कोई बड़े मौके पर रिलीज नहीं किया गया था। इसे नॉर्मल 3 दिन का वीकेंड मिला। फिल्म को नेशनल हॉलिडे अपने 5वें दिन मिला। बावजूद इसके गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर और फैंस के दिलों में ऐसा गदर